Hi, hello everybody. Yes, I am Dr. Prashant Kumar. Today I teach you the parts of speech, four parts. The parts of speech, fourth part and third part. So, just we are yes about कि आज हम आपके वर्ब के बारे में हम आपको आज बताएंगे. वी आर की आपको मतलब वर्ब और ये आपका क्या होता है कि निंदा इंग्लिश की अगर हम आपसे वो करें बात आपसे अंग्रेजी में तो आपका वर्ब जो है वह ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश बिकॉज वी आर नॉट यूज द वर्ब दैट्स द टेंस विल नॉट बी कंप्लीटेड. तो वह जो सेंटेंस जो है वाक्य जो है वह हम संपूर्ण प्रकार से बना नहीं पाएंगे. आज हम आपको बता रहे हैं वर्ब के बारे में कि ये आपका क्या होता है. तो ये क्या है आपकी कि ये आपकी एक क्रिया है और ये आप जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं तो वह जो कार्य करने का जो ढंग होता है दैट इज द स्टाइल टू Doing the work that the words of the verb कि वह आपकी क्या कही जाती है क्रिया आपकी. डेफिनेशन की अगर हम वो करें बात आपकी जस्ट वी नो दैट कि वट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब. तो हम आपको बताएंगे कि वर्ब is a word which tells something about person, place or thing. The word is a word which tells something about a person, place or thing. मतलब वह जो हमको व्यक्ति स्थान वस्तु वह जो हमको व्यक्ति स्थान और वस्तु के बारे में जानकारी देता है के बारे में जानकारी देता है वह जो व्यक्ति वस्तु और के बारे में जो जानकारी देता है या कुछ भी हमको बताता है तो वह वर्ब कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे बात करें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वी टेल्स यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब. तो दैट्स विल बी वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग. वह जो किसी व्यक्ति स्थान और वस्तु के बारे में थोड़ी सी भी हमको जानकारी देता है या हमको बताता है तो वह वर्ब बोला जाता है या हम उसको वर्ब ही कहते हैं. हम आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी वो करें बात करें तो अगर हम आपके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर एज मैन ही गॉन ही गॉन वह जा चुका है वह जा चुका है
ठीक है, दोज आर डीएम जो है दोज आर माई ए डबल बी एल एपल वे मेरे सेब हैं। वे मेरे सेब हैं हर सेंटेंस की अगर हम आपसे बात करें तीसरे सेंटेंस की अगर हम आपसे बात करें हर सेंटेंस में हम आपसे बात करते हैं तो आराम से वाराणसी is a beautiful place. Varanasi is a beautiful place. Varanasi एक बहुत ही खूबसूरत जगह स्थान है, या मतलब इसको शहर भी कह सकते हैं, मतलब प्लेस के बारे में मैंने बताया, लेकिन वाराणसी एक बहुत अच्छा शहर है ना, और वहां पर कई ऐसे खूबसूरत स्थान भी हैं। वाराणसी इज अ बेस्ट, वाराणसी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस की जगह हमें क्या होता है सिटी को सी आई डी है ना, वाराणसी इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो we see that he gone, the first sentence is he gone, वह जा चुका है। तो यहां पर क्या है, हम ये आपका जो है he क्या है, he is our third person, वह के बारे में बता रहा है कि वह जा चुका है। तो यहां पर जो आपका जो gone है G-O-N-E, gone is the verb, gone is the सेकेंड बात में दो आर माई पिल्स, तो यहां पर आपका आर वे मेरे सेब हैं, कौन है आपके सेब, वे मेरे सेब हैं। तो यहां पर आपकी जो वर्ब है वह क्या है, आर हैं मेरे सेब हैं, तो यहां पर आपकी जो वर्ब है वो है आर। अच्छा, और हम आपके तीसरे सेंटेंस की बात करें तो वी आर टॉकिंग द सेंटेंस ऑफ द थर्ड, तो हमको मालूम पड़ेगा वाराणसी इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बनारस एक बहुत खूबसूरत शहर है। तो दैट्स वी नो इट वेरी वेल कि आई एम इज अ वर्ब, तो देन यू एन गॉन आई एस इज ए आर ई आर, और बिल्कुल सेम इसी प्रकार से टू डज वाज वर विल शैल हैज हैव हैड, ये सभी आपकी वर्ब ही होती हैं, या हम इन सबको वर्ब ही कहते हैं। तो आज है ना, तो ये तो थी आपकी वर्ब के बारे में एक द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ब, कि हमने आपको वर्ब के बारे में आज बताया, परिचय आपको हमने दिया। तो हमने क्या देखा कि उपयुक्त वाक्यों में चाहे वह आपका कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी स्थान हो, चाहे वह कोई सी भी जगह हो, के बारे में जो भी हमको कुछ भी बताता है तो दैट इज द कॉल्ड वर्ब, तो हम उसको वर्ब ही कहते हैं। तो हम आपको क्या बताएंगे है ना, तो ये वाला जो था मैंने आपको बता दिया है वर्ब के बारे में, और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं द पार्ट ऑफ वर्ब, द पार्ट ऑफ वर्ब वर्ब के कितने भेद होते हैं।
says that the parts of verb is the four types. The parts of verb are four types. The part of verb four types. ये आपकी जो वर्ब होती है यह चार प्रकार की होती है. कौन सी होती है आपकी? The parts of verb are four types. ये आपकी चार प्रकार की वर्ब कही जाती है. ऐसे चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं. फर्स्ट आपकी कौन सी है? लिंकिंग वर्ब. कहना यह है कि आई एन लिंकिंग वर्ब. LINKING लिंकिंग वर्ब है ना. सेकेंड आपकी है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द नेक्स्ट वर्ब आपकी तो है कौन सी? AUFOZING है. AUFOZING आपको दिए क्रिया के बारे में बताया, आपको परिचय आपको दिए. नेक्स्ट में आप
फिर मैं आपको बताऊंगा द लिंकिंग वर्ब और द पार्ट ऑफ द वर्ब के पूरे व्याख्यानविद के तौर पर कि ये कैसे बोले जाते हैं या इनको कैसे समझा जाता है। तो ये आपका जो पार्ट है, ये आपका ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विदाउट वी आर बी वर्ब, विदाउट वर्ब वी डोंट नो कि व्हाट इज द सेंटेंस एंड द ट्रांसलेशन। हम वर्ब की जानकारी के बिना वाक्य को और वाक्यों के भेद को सीख ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। यू नो इट वेरी वेल कि व्हाट इज द वर्ब एंड टुडे आई सेल्स यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ब एंड द पार्ट्स ऑफ द वर्ब एंड नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी मेक इट जस्ट आई सेल्स यू व्हाट इज द वर्ब पार्ट्स एंड व्हाट इज द ग्रामेटिकली पोर्शन ऑफ द वर्ब। तो दैट्स गुड इफ यू आर स्टे योर मॉम एंड लुक्स योर बुक्स ओवर सून वी मेक द नेक्स्ट वीडियो। हरी अप एंड बाय बाय।